शांति। आज का प्रातः क्लास है 12 अगस्त 1968। भगवान वाच आत्माभिमानी भव। पहले ये बात जरूर कहनी पड़े, आत्माभिमानी भव। ये बच्चों के लिए सावधानी है, कि जब बाबा के सामने क्लास में बैठे हो तो आत्माभिमानी होकर के बैठे। बाप समझाते हैं, हम बच्चे बच्चे कहता हूँ तो मैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे तो कभी देहबान आता ही नहीं। परंतु बच्चे तो 63 जन्म के अभ्यासी हैं, घड़ी घड़ी देहबान आ जाता है। इसलिए सावधानी रहनी पड़ती है। किस बात की? आत्माभिमानी भव। ये शरीर तो पुरानी जूती है, अब ये शरीर तो सतो प्रधान नहीं बन सकता। सतो प्रधान शरीर तो नई दुनिया सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है। आत्मा चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। तो पहले कौन तब्दील होगा? शरीर बदलेगा या आत्मा बदलेगी? पहले तो चैतन्य आत्मा बदलेगी। शरीर नहीं सतो प्रधान बन रहा है, ये शरीर तो और ही दिन प्रतिदिन सड़ते जावेंगे, और तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जावेगी। क्योंकि शरीर तो वो ही पुराना है और ये शरीर भ्रष्टाचार से बना हुआ है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है। शरीर नहीं पहले सुधर जाएगा, आत्मा को पवित्र बनाना है। सतयुग में तो तुमको शरीर भी पवित्र मिलेगा, गोरा मिलेगा। बाप को याद करना पड़ता है आत्मा को शुद्ध करने के लिए। आत्माओं का बाप है ना, तो आत्माओं के बाप को याद करने से आत्मा ही शुद्ध बनेगी ना। बाप भी आत्मा को देखते हैं, परंतु सिर्फ देखने से आत्मा पवित्र नहीं बनती है। कि देख लिया तो
तो आत्मा पवित्र बन गई या जितनी बार देख लिया उतनी जास्ती आत्मा पवित्र बन जाएगी? नहीं, जितना बाप को याद करेंगे उतनी आत्मा पवित्र बनेगी। कोई एक बार भी देख ले परंतु अटैचमेंट पूर्वक अगर देखे तो ज्यादा याद रहेगी, और कोई बीसियों बार देख ले परंतु अटैचमेंट नहीं होगा तो याद नहीं ठहरेगी। ऐसे तो बाप सभी को देखते रहते हैं, देखते हैं ये हमारे बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि देखने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे, ये तो तुम्हारा काम है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। मेरे अटैचमेंट की बात नहीं है, ये तो तुम्हारे अटैचमेंट की बात है। तुम जितना लगाव से बाप को देखेंगे उतना जास्ती याद आवेगा। बाप तो आते ही हैं सिर्फ रास्ता बताने, ये शरीर तो अंत तक पुराना रहेगा। ये तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिनसे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है तो फिर कर्तव्य भी अच्छे अच्छे करते हैं। वहां पक्षी जानवर आदि सभी सतो प्रधान होते हैं, वो भी निडर बन जाते हैं। यहाँ तो देखो बुलबुल अथवा चिड़िया मनुष्य को देख करके ही भागती है, वहां तो शेर बकरी को भी डर नहीं रहता है। तो ऐसे ऐसे अच्छे पक्षी तुम्हारे आगे घूमते फिरते रहेंगे और वो भी कायदे से घूमेंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे घर के अंदर घुसा देंगे। और गंद करके जावेंगे, नहीं, बहुत कायदे अनुसार दुनिया बन जाती है। आगे चल करके तुमको सब प्रकार के साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी पुरुषार्थ की मार्जिन तो बहुत पड़ी है, स्वर्ग की महिमा भी अपरम अपार है और बाप की महिमा भी अपरम अपार है। बाप की प्रॉपर्टी की भी महिमा अपरम अपार है। तो बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए कि बाप हमको याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूं जो सर्विस पर आमादा रहते हैं। वो बाप को ऑटोमेटिकली याद आ जाते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, ये सेकंड नंबर में है। ये बातें तो कोई भी समझ सकते हैं, ये तो खुद भी समझ सकते हैं हम कहां तक सर्विस करते हैं।
क्योंकि नंबर वार तो सभी होते हैं, पढ़ने वाले अथवा पढ़ाने वाले सभी नंबर वार। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझा सकते होंगे। समझाने समझाने का फर्क तो रहता है ना, तो सभी में अपने अपने गुण हैं। पुरुषार्थ अनुसार नंबर वार सब में गुण आते रहते हैं। कोई में अच्छा गुण होता है तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। यहां भी सबसे उल बच्चे मीठे लगते हैं, वो तो सदैव ही मीठा बनेंगे। सबसे उल बच्चे कड़वा कभी भी बोल न सके, नहीं तो डिससर्विस हो जाए। कड़वा बोलने वाले के लिए कहेंगे इनमें तो भूत है, भूतों की प्रवेशता होती है ना, देह अभिमान है नंबर वन भूत। फिर उसमें और भी भूत है जो मनुष्यों में प्रवेश करके दुख देते हैं। तो तुम बच्चों को तो सर्विस करनी है, भूतों को प्रवेश नहीं होने देना है। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं उनकी सेवा करनी है। बिल्कुल अहंकारी बंदर, बंदरों में अहंकार बहुत होता है। समझते हैं हम तो बहुत चालाक हैं, छलांगे कितनी मारते रहते हैं। ऐसे बंदरों को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, परंतु उनको चने मुट्ठी दिखाओ तो झटा जावेंगे, फिर पकड़ जाते हैं। तो देखो ये लोभ ने पकड़वाया ना, तो कहेंगे इनमें समझ नहीं है। बेसमझ हो चने मुट्ठी पर फंस जाते हैं। मनुष्य भी ऐसे ऐसे हैं, भुंगरे मिट्टी पिछाड़े ही फंसते रहते हैं। बदचलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है, तुमको भी मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल पहले मेहनत की थी। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, फिर आस्ते आस्ते सारी डोर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तुम जानते हो कि हम ही विश्व के मालिक थे, ये बात तुम्हारे सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं होगी कि हम विश्व के मालिक थे। फिर हम ही नंबर वार राज्य लेंगे। इतना पुरुषार्थ कोई भी कर नहीं सकते। बुद्धि से समझा जाता है फलानी बहुत अच्छी सर्विस करती है, जरूर उच्च पद पावेगी। इनकी भेंट में हम तो कुछ भी सर्विस नहीं कर सकते हैं। समझ में आता तो है ना, तुम्हारी बुद्धि में तो सारा ड्रामा का चक्कर है। और तुम टाइम भी ठीक बताते हो, अभी 8 वर्ष बाकी हैं। कम भी हो सकते हैं, परंतु 8 से जास्ती होने का तो बिल्कुल दम नहीं दिखाई देता। कौन से सन की वाणी है? 68 के बाद
8 और जोड़ दिए, कितना आया? 25। बोला कम भी हो सकते हैं, जास्ती होने का बिल्कुल दम नहीं दिखाई देता। परंतु ऐसा कुछ हुआ क्या? 68 के बाद, 8 वर्ष पूरे होने के बाद ड्रामा में कोई परिवर्तन आया क्या? दुनिया में कोई तब्दीली हो गई क्या? हो गई है? बदलाव कुछ हुआ क्या? दुनिया में तो बदलाव नहीं हुआ, परंतु ब्राह्मणों की दुनिया में 76 आते ही पासा पलट गया। ब्राह्मणों की दुनिया में दो वर्ग स्पष्ट दिखाई देने लगे, विघटन हो गया। दुनिया में भी देखा जाता है वो लोग किसी को देते हैं तो आपस में दो टुकड़े कर देते हैं ताकि लड़ते रहें। क्रिश्चियन से गए भारतवासियों को दो टुकड़ों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। नहीं तो उनका इतना बारूद आदि कौन लेगा? तो ये भी उनका व्यापार है। बारह आठ 68 की वाणी का दूसरा पेज। यहां भी ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे होता है, ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस ने भी दो भागों में बंटवारा कर दिया, और कृष्ण की आत्मा जब जाती है तो ज्ञान का दो भागों में बंटवारा हो जाता है, एक एडवांस ज्ञान और दूसरा बेसिक ज्ञान। तो कहेंगे ये भी उनका व्यापार है, ड्रामा अनुसार ये युक्ति रखी हुई है। खिटपिट तो अंदर है ना, तो यहां भी टुकड़े टुकड़े करके दिखाया गया है। वो कहता है ये टुकड़ा हमको मिले, और ये कहते हैं ये टुकड़ा हमको मिले। इस तरफ पानी जास्ती जाता है तो खेती बहुत होती है तो पानी का भी बंटवारा कर देते हैं। आपस में लड़ पड़ते हैं,
फिर आखिरी सिविल वार वो पड़ती है। झगड़े तो बहुत है ना, तुम जो बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था कलंकी इधर बनने वाले हैं, जैसे बाप गाली खाते हैं वैसे तुम बच्चे भी वाली गालियां खाते हो, कलंक लगते हैं। अभी तुम भी कलंकी इधर बनने वाले हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप को ही कलंक लगते हैं, अखबारों में, टीवी में, रेडियो में बच्चों को भी कलंक लगाए जाते हैं, बहुत कलंक लगने हैं, ये बात भी तुम जानते हो। उन विचारों को तो इन बातों का पता ही नहीं है, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। 84 जन्मों की बात तो बहुत ही सहज समझाई जाती है, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी भी तुम बनते हो। तुम्हारे में ये ज्ञान नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बैठा हुआ है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं उतना ज्ञान गहराई से समझ जाता है। बहुत सेवा करते हैं तो ज्ञान की धारणाएं भी बहुत होती है। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, ड्रामे में उनका पार्टी ऐसा है, क्या कर सकते हैं। कितना भी उनके साथ माथा मारो परंतु वो चढ़ नहीं सकते हैं। पुरुषार्थ कितना कराया जाता है परंतु फिर भी उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। तदबीर कराते हैं परंतु उनकी तकदीर में है ही नहीं। तो कहेंगे ये राजधानी स्थापन होती है उसमें सभी प्रकार के चाहिए, नीचते नीच भी चाहिए और ऊंचते ऊंच भी चाहिए। ऐसा समझ करके शांति में रहना पड़ता है। तो इसमें कोई भी प्रकार की खिटपिट की बात नहीं है, सबको प्यार से समझाना पड़ता है। समझाते हैं कि ऐसे ना करो, ये अशांति फैलाने वाली बात है, ऐसे करेंगे तो और ही पद कम हो जाएगा। तो शांति से समझाना होता है, समझाने वाले को खुद भी अशांत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चुप कर देना चाहिए। कोई तो ऐसे ऐसे हैं कि अच्छी बात समझाने से भी अशांत हो पड़ते हैं, तो फिर ऐसों को छोड़ देना चाहिए। खुद भी अगर ऐसा होगा तो एक दो को तंग करेंगे और ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है, महारथियों से माया भी महारथी होकर के लड़ती है। माया के कितने कड़े तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप की याद की, एकदम जैसे अडोल अचल हो जाते हैं। पक्का समझ लेते हैं कि माया तो हैरान करेगी ही, तो डरना नहीं चाहिए। कलंकी इधर बनने वालों पर कलंक भी लगेंगे,
इसमें कोई भी प्रकार की नाराजगी नहीं आनी चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफत की बातें डालते हैं तो सहन कर लेना होता है, क्योंकि पवित्रता की बात है। ये भी जानते हो कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे, क्योंकि कोई कोई माइयां भी ऐसी होती हैं, डंडा मारने में भी देरी नहीं करती है पुरुषों को। कहेंगी ये करते हो क्या, तुम क्या सीख करके आए हो, ये चरियाई तुमने कहां से सीख ली। अरे सारी दुनिया कैसे चलती है, ऐसे तुम भी चलो, तुम क्यों टेढ़े मन पड़े हो। बाप कहते हैं ये सुपनखाओं पूतनाओं के नाम पड़े हुए हैं ना, अकासुर बकासुर नाम भी हैं। स्त्रियों के नाम पूतना सुपनखा हैं, तो तुम बच्चे अभी समझते हो बेहद का बाप हमको मिला है। पहले पहले महिमा बाप की सुनानी है। बेहद का बाप कहते हैं कि तुम आत्मा हो। बाप आत्माओं को ही बैठ करके पढ़ाते हैं। आठ वर्ष की बात भी जो आत्मा बने होंगे उनकी ही बुद्धि में बैठेगी। औरों की बुद्धि में नहीं बैठेगी। इसलिए बाप ने बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर अंत में तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो जो आत्मिक स्टेज धारण करने वाले बने उनकी बुद्धि में बात बैठ गई। ये नालिस सिवाय एक बाप के और कोई में नहीं है, पहले तुम्हारे में भी नहीं थी। बाप ही सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे सकते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान, इसको कहते हैं पढ़ाई, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु ब्राह्मणों को अलंकार दे नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए विष्णु को अलंकार दे दिए हैं। तुम ब्राह्मण तो अभी पुरुषार्थी हो, इसलिए स्थाई विष्णु को दिया है। ये बातें ईश्वर बाप के सिवाय कोई नहीं बता सकते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये बात कोई जानते ही नहीं है। बाप ही आकर के बताते हैं। आत्मा के लिए इतना कहेंगे कि वो प्रकृति के बीच में रहती है। गीता में भी लिख दिया है भ्रवोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक। ये भी जानते हैं कि बिंदी है, अणुअणीयांशम अनुरूप है, ज्यादा कुछ भी नहीं समझा सकेंगे कि आत्मा कहां से आती है, कैसे पार्ट बजाती है, कैसे शरीर से निकलती है, कहां जाती है, पता थोड़ा ही पड़ता है। कब कहते हैं आंखों से निकल गई, ये तो
आत्मा का अंत कोई पा ही नहीं सकता है। अभी तुम तो जानते हो कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है। याद में बैठे बैठे देह त्याग कर देगी। तुम बच्चों को बाप के पास तो बहुत खुशी से जाना है। ये पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का भी मिसाल दिया जाता है, उन जानवरों में भी अकल है, वो मनुष्यों में अकल नहीं है। बाप तो प्रैक्टिकल तुमको वो अकल देते हैं, वो सन्यासी लोग तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप तो कहते हैं तुमको ऐसा प्रैक्टिकल में बनना है जैसे भ्रमणी कीड़े को ट्रांसफर करती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़ों से ब्राह्मण देवता बनाना है। ज्ञान की भू भू करते रहो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कि दृष्टांत देना है, नहीं, प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। वो सन्यासी तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं, परंतु उन दृष्टांतों पर चलते भी नहीं है और किसी को सिखाए भी नहीं सकते। वो तो उल्टी बातें कहते हैं, कह देते हैं ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो फिर बाकी क्या रहा? याद भी ब्रह्म को करते हैं। अभी तुम बच्चों को तो ब्रह्मलोक में वापस जाना है। बाप से वर्षा पाए रहे हो तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। वो सन्यासी तो वर्षे को जानते ही नहीं है। हाँ, शांति सभी को मिलती है, वो भी मनुष्य मात्र है, सभी शांति धाम में चले जाएंगे, सिवाय बाप के और कोई भी सर्व की सदगति नहीं कर सकता। ये बात भी समझानी होती है कि सदगुरु एक ही बाप है और बाकी तो गुरु है, तो साबित हो जाता है कि सब गुरु झूठे हैं, एक सदगुरु ही सच्चा है। तुम समझा सकते हो कि गुरुओं का है निवृत्ति मार्ग, बता सकते हो। तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो और बाप तो आकर के हमको प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। 12:68 की वाणी का तीसरा पेज। उनको तुम कह सकते हो कि तुम सतयुग में नहीं आ सकते हो, क्योंकि सतयुग में तो होता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग देवताओं का। उनको तुम ये भी कह सकते हो कि ये ज्ञान तुम किसी को नहीं समझा सकेंगे। ये बहुत गुह्य बातें हैं। पहले पहले तो किसको अलफ बे ही पढ़ाना होता है। बोलो, तुमको दो बाप हैं, हद का बाप और बेहद का बाप। हद के पास जन्म बाई जन्म विकार से लेते रहे, कितने अपार दुख मिलते रहे। सत्युग में तो अपार सुख है, वहां तो जो जन्म मिलता है वो ऐसे जन्म होता है जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। कोई भी प्रकार का बच्चे को अथवा मां को दुख होता ही नहीं, उसका नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिल जाता है। हाँ,
पहले सुख है पीछे दुख है, पहले दुख पीछे दुख सुख कहना ये तो रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुखदाता बाप आते हैं तो जरूर बच्चों को सुख ही दे करके जावेंगे, दुख देकर थोड़ी जावेंगे। बाद में सुख भोगते भोगते आत्मा जब कमजोर पड़ जाती है तो देवान आने के कारण दुख भोगते हैं। तो पहले नई दुनिया स्थापन होती है, ऐसे नहीं कि पुरानी दुनिया स्थापन होती है। पुराना मकान कब कोई बाप बनाता है क्या? बाप भी आते हैं तो नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में रावण तो नहीं हो सकता, ये भी बाप समझाते हैं कि बुद्धि में समझाने की ढेर सारी युक्तियां होनी चाहिए। बोलो, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं वो हमारे पास आओ तो हम आपको समझावें। ये बातें कहने की भी युक्ति चाहिए। दुखधाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। इस दुखधाम की दुनिया में कितने दुख हैं? अपरम अपार दुख है, इसका नाम ही है दुखधाम। इस दुनिया को सुखधाम तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि सुखधाम में तो श्री कृष्ण रहते हैं। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। कृष्ण तो था ही सुखधाम का मालिक। जिस कृष्ण की अभी मंदिरों में पूजा होती है, अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जावेंगे तो कहेंगे ओहो हम तो ये बनते हैं। जब हम ये बनते हैं तो हम इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे। हम नंबर वन बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी नंबर वन बनते हैं। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है, वो तो सभी को भगवान ही कहते रहते हैं। घोर अंधेरा छा गया है फिर भी तुम कितनी अच्छी रीत समझाते हो। टाइम लग जाता है, जो कल पहले टाइम लगा था वही टाइम अब भी लगेगा। जल्दी तो कुछ भी नहीं कर सकते। हीरे जैसा जन्म ये तुम्हारा अभी का है। देवताओं को भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका जन्म तो सतयुग में होगा। सतयुग में तो सोने जैसा जन्म है, वो कोई ईश्वरीय परिवार के नहीं है। ईश्वरीय परिवार न सतयुग में होता है न त्रेता में होता है। कहाँ होता है? संगम युग में ही होता है। ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, सतयुग में होता है दैवी परिवार। तो कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में लून मिसल सच्चाई है। कितनी भारी भूल कर दी है कृष्ण का नाम डाल करके। बोलो, तुम देवताओं को देवता कहते हो, विष्णु देवता ही नमः कहते हो, फिर कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? ये विष्णु कौन है? ये बात भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन ते प्राचीन तो ये देवताएं हैं जो सतयुग में होकर के गए हैं। अभी वो देवताएं कहाँ हैं? जो नर से नारायण बनते हैं,
फिर नारायण से नर बनते हैं 84 जन्मों के बाद। दैवी गुण वाले ही फिर आसुर गुण वाले बन जाते हैं। तो समझाना चाहिए कि दुनिया में हर चीज सतो रजो तमो में बदलती है। इस समय सभी तमो प्रधान है। ये सारी दुनिया ही आयरन एज पुरानी दुनिया हो गई है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत अच्छे समझाते रहते हैं, इस छोटे से बैज पर भी तुम समझा सकते हो कि बाप को पढ़ाने वाले टीचर को याद करो, परंतु माया भी कितनी कसम कस करके चलती है कि तुमको बहलाती रहती है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बुद्धि से निकल जाते हैं। अगर तुम सुनेंगे नहीं तो दूसरों को सुनाए कैसे सकते हैं। अक्सर करके बड़े बड़े महारथी शहर में, बाहर में, गांव में इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस हो जाती है, फिर वो मुरली पढ़ते ही नहीं, समझते हमारा तो पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं रोज रोज तुमको कितनी गुहे गुहे पॉइंट सुनाता हूं, जो सुनकर के धारण करना है। अगर धारण नहीं करेंगे तो जरूर कच्चे पड़ जाएंगे। बहुत बच्चे भी धारण करके अच्छे अच्छे पॉइंट निकालते रहते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते भी हैं। जैसी जैसी बच्चों की अवस्था है पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी निकालते हैं जो कभी इसने भी नहीं सुनाई होगी। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। वो सर्विसेबल बच्चे सर्विस पर ही लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स डालते हैं, क्योंकि तुम बच्चे तो विश्व के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंचे बनाते हैं। गीत भी है, सारा बाग तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुमसे कोई भी छीन नहीं सकेंगे, बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। ये लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक थे, जरूर उनको पढ़ाने वाला बाप ही होगा। उन्होंने कैसे ये राजपद पाया ये मंदिरों की पुजारियों को भी पता नहीं है। तुमको तो ये जानकर के यथा खुशी होती है, ये तुम समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। वास्तव में 5 भूत इस दुनिया में सर्वव्यापी है। हर एक चीज तमो प्रधान बन चुकी है, एक एक में विकार भरे पड़े हैं। ये माया के 5 भूत हैं जो सर्वव्यापी हैं। तुम फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से तुम्हारी मति मारी हुई है, बुद्धि को ठिकाना ही नहीं मिलता है, कहां कहां बुद्धि भटकती रहती है। अरे बाप तो एक व्यापी होकर के आता है, एक व्यापी होकर के आवेगा तभी तो बुद्धि को ठिकाना मिलेगा। तुम सर्वव्यापी कह देते हो, ऐसी भारी भूल करते हो। वो बाप तो बेहद का वर्षा देने वाला है, कांटों को फूल बनाने वाला है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता। समझाने की प्रैक्टिस बच्चों को करनी है, प्रैक्टिस करते करते होशियार हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।